More breaking updates coming in, and as Gujarat's new cabinet is all set to take oath, now there's murmurs of dissent just before the new cabinet is sworn in. Sources say that almost 90% of the cabinet will be new. The swearing-in ceremony is scheduled to take place today. Let me go across to my colleague Amit Rajput. Amit, agar aap hame bata paaye ki kis tarah ke abhi aapke sutron ke dwara kis tarah ke information aa rahi hai ki jo swearing in ceremony hogi aaj jo cabinet naya aayega us pe 90% of the cabinet members are going to be new. देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर गुजरात से है और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही मुख्यमंत्री में बदलाव हुआ उसके बाद लगातार रूपानी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं और बाकी के जो स्टेट लेवल के जो दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे मिनिस्टरों को बदल दिया जाएगा और 100% नो रिपीट थियरी पे भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का मन बना लिया है. साथ ही साथ ये जो शपथ विधि समारोह है जो मंत्रिमंडल का वो आज शाम 6 बजे से पहले है वो पूरा कर लिया जाएगा और आने वाले 17 सितंबर को क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है तो ये सारे जितने भी मंत्री हैं वो अलग अलग जिलों में कार्यक्रम में मौजूद भी रहेंगे. और जिस तरह से मंत्रियों को हटाने की बात है जिस तरह से जूने जो मंत्री हैं जो बरसों से लगातार काम करते आए थे कैबिनेट में लगातार देखे गए थे फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी सरकार में हो चाहे वो आनंदीबेन पटेल की सरकार में हो या रूपानी की सरकार में तो नो रिपीट थियरी जिस अभी हमारी न्यूज टीम जहां मौजूद है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के घर पे मौजूद है. यहां पे लगातार राजकीय हलचल जो है वो देखी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही सबको मंत्रियों को हटाने की बात की गई पूरा कैबिनेट जो है रिशफल करने की बात गई है नए चेहरे लाने की बात गई है तक नए चेहरों को स्थान मिलेगा जिन्होंने 2 बार 3 बार मंत्रिमंडल पद में या 1 बार रह चुके हैं उन्हें गुजरात सरकार कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी. सीआर पाटिल उस चीज का संकेत दे चुके हैं. ये एक बड़ी खबर है और उसके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं वो गुजरात के प्रभारी हैं वो भी गुजरात में मौजूद हैं और जिस तरह से ये थियरी अपनाई जा रही है ये सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जिस तरह से देखा गया था कि रूपानी को हटाया गया एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को रोकने के लिए आने वाले साल 2022 के दिसंबर में गुजरात में भी चुनाव होने हैं तो उससे पहले ये एक बहुत बड़ा जो डिसीजन है वो गुजरात के अंदर लिया जा रहा है. पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मन बना लिया है और जो मिनिस्टर्स कट रहे हैं यानी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो मंत्रियों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री रूपानी से उनकी मुलाकात भी हुई है वो अपना लॉबिंग कर रहे हैं कि हमें कैबिनेट में या दूसरे मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए. और साथ ही साथ कुछ ऐसे मंत्री हैं जो 4 जितने मंत्रियों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने अपना निवास स्थान जो है वो खाली कर दिया है ऑफिस भी उन्होंने अपनी है वो खाली कर दी है. सारे विधायकों को सूचना भी दी गई है गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि गुरुवार शाम तक जितने भी नेता विधायक हैं वो गांधीनगर में रहें और गांधीनगर के आसपास रहें. लेकिन ये जो मामला फंस गया है जो पेच जहां पे फंस गया है कि नए चेहरों को लाना और पुराने सारे कैबिनेट के जो मंत्री हैं उन्हें हटाना तो इस मामले को लेके कसमकस चल रही है. जो नेता हैं वो अपना लॉबिंग कर रहे हैं लेकिन ये बात तय है कि जितने भी कैबिनेट के मंत्री थे बाकी के जो मंत्री थे उन्हें हटा के पूरा कैबिनेट रिशफल करके नया कैबिनेट जो है वो ला दिया जाएगा और आज शाम 6 बजे से पहले ये नए मंत्रिमंडल की जो शपथ विधि है वो पूरी भी कर दी जाएगी. जी अमित हम आपके साथ जुड़े रहेंगे इस पूरे जो डेवलपमेंट्स होने वाली आज कैबिनेट स्वेयरिंग इन को लेके सारे डेवलपमेंट्स आपके साथ ट्रैक करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस विद दैट ब्रेकिंग अपडेट.